हेलो एवरीवन हाय आई एम आरती और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास इलेवेंथ की बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टॉपिक्स में के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं फिर उनके भी हम सब पार्ट्स पढ़ेंगे फिर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे बिजनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि बिज़नेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं ये पढ़ेंगे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे प्रॉफिट का रोल पढ़ेंगे एंड ऑल अदर डिफरेंट टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आज हम इस चैप्टर के बेस बेसिक बेसिक पढ़ेंगे फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या हैं फर्स्टली ह्यूमन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू की जाती है मीन्स कोई भी ह्यूमन बींग जो भी काम करता है जैसे कि कोई भी पत्थर फोड़ता है कोई पढ़ाता है कोई कुछ भी काम करता हो कोई पूजा घर में जाके वहाँ की साफ सफाई करके आए कुछ भी काम करे हाँ जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन बींग के थ्रू की जाती है हम उन सब एक्टिविटीज को ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं लेकिन इनमें से मींस जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं इनमें से बहुत सारी तो होती हैं कि वो पैसे कमाने के लिए की जाती हैं, मीन्स बहुत सारी टू अर्न मनी के लिए की जाती है लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जिनसे हमें कोई भी मनी अर्न नहीं होती जो सिर्फ हम किस लिए करते हैं अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कि हम पर्सनली सेटिस्फाई हो जाए जैसे कि हम डेली टेम्पल में जाते हैं वहां पे जाके वहां पे साफ सफाई कर दें या फिर ट्रस्ट में मीन्स ट्रस्ट में पैसे डेनोट कर दें तो उससे हमें कोई मनी अर्न नहीं हो रही हम वो सारी एक्टिविटीज किस लिए कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल सके तो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो भी दो कैटेगरीज में मीन्स दो पार्ट्स में क्लासीफाइड है मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज के भी टू पार्ट है टू एक्टिविटीज इसके अंदर भी है फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकेंड वन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो लोगों के थ्रू किस लिए की जाती है टू अर्न मनी इसमें लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव ही मनी अर्न करना होता है दैट्स वाई वी कैन सेक्टिविटीज आर कोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि हम प्रोडक्शन करते हैं एक्सचेंज करते हैं आई मीन गुड्स और एक्स सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करते, है, करते हैं एक्सचेंज करते हैं इन सबसे ये सब हम किस लिए करते हैं सिर्फ मनी को अर्न करने के लिए पैसे कमाने के लिए और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन पर्पस ही क्या होता है टू अर्न मनी जैसे कि हम एग्जांपल ले अगर हम किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का या फिर हम किसी भी एज अ होल सेलर और रिटेलर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर एज अ लॉयर काम कर रहे हैं एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं एज अ टीचर कोई आपको पढ़ा रहा है जैसे कि स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं वो सब किस लिए कर रहे हैं सिर्फ मनी अर्न करने के लिए हाँ जैसे कि टीचर है उसका मेन ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करे बट वो फर्स्टली किस लिए करता है कि पढ़ाता किस लिए है आप सबको मनी अर्न करने के लिए अपने मीन्स कम से कम वो कुछ अर्न तो करे इसीलिए तो कोई भी टीचर एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करता है नाउ अब इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। फर्स्टली हमने ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा कि उसके दो पार्ट्स होते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक नाउ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनके भी तीन सब पार्ट्स होते हैं फर्स्ट बिजनेस सेकेंड प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट नाउ अब हम इन तीनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे फर्स्ट बिजनेस बिजनेस उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कहते हैं जिनसे हम प्रोडक्शन जिसमें प्रोडक्शन इंक्लूड हो परचेज हो या सेल या डिस्ट्रीब्यूशन हो गुड्स और सर्विसेज का जैसे कि कोई भी फार्मिंग करता है या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फैक्ट्रीज में या एज अ होल सेल मार्केट में हम कुछ काम करते हैं तो ये सब क्या है ये सब डिफरेंट बिजनेसेस हैं ये सिर्फ डिफरेंट बिजनेस की फॉर्म्स हैं और जो बिजनेस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रॉफिट अर्न करना नाउ सेकंड इज प्रोफेशन तो प्रोफेशन उन एक्टिविटीज से उन एक्टिविटीज को कहते हैं जिसके अंदर एक स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड हो एक स्किल रिक्वायर्ड हो कि जैसे लॉयर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं लॉयर या डॉक्टर एक प्रोफेशन है तो उनको हमें कोई लॉयर जैसे हमें मान लो हमें लॉयर बनना है तो हमें उसके लिए सबसे पहले अपनी पूरी एजुकेशन एजुकेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग सारी स्किल्स चाहिए डॉक्टर वाली या लॉयर्स वाली उसके रिगार्डिंग पूरी नॉलेज एक्वायर करेंगे अगर हमें डॉक्टर बनना है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ये एक मींस एक गवा एक गवर्नमेंट का जो वो है मान लो कोई ऑफिस है वहां पे डॉक्टर्स को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है उसी के बाद ही कोई भी डॉक्टर एज अ प्रोफेशन अपने अ प्रोफेशन इसको फॉलो कर सकता है एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है एम्प्लॉयमेंट वो एक्टिविटी है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करता है किस लिए कि कोई दूसरा पर्सन जिसके लिए वो काम कर रहा है उसके बदले उसके काम के बदले वो उसे कुछ पैसे देगा वो उसे सैलरी या वेज कुछ देगा इसीलिए जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किसी भी दूसरे पर्सन के लिए काम करते हैं नाउ अब हम बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में एक डिफरेंस पढ़ेंगे इन तीनों के बीच का डिफरेंस जिसमें मैंने आपको बेसिस भी लिखवाए हैं जो फर्स्ट बेसिस है वो क्या है स्टार्ट या फिर हम कह सकते हैं कमेंसमेंट कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए कुछ भी नहीं सिर्फ एक कोई भी डिसीजन चाहिए एंटरप्रेन्योर का मीन्स जो पर्सन बिजनेस करना चाहता है उसका डिसीजन होना चाहिए बस कि हाँ मैं बिजनेस करना चाहता हूं उसके बाद वो बिजनेस को अपने का स्टार्ट कर सकता है प्रोफेशन में क्या होता है प्रोफेशन में इससे अलग होता है डिफरेंट बिल्कुल अलग होता है कि प्रोफेशन में हमें सबसे पहले जिस प्रोफेशन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं जैसे कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट सारी चीजें होनी चाहिए तभी हम अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है जब कोई भी कोई भी पर्सन किसी भी सर्विस सेक्टर में जाके वहां पे एक ड्यूटी ज्वाइन करता है तभी से उसका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है सेकेंड वन क्वालिफिकेशन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कोई भी पर्सन क्वालिफ कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जो, और जो प्रोफेशन होता है उसमें एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए ट्रेनिंग भी चाहिए उसके अंदर हमें उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो क्वालिफिकेशन है वो उस जॉब के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस लेवल की जॉब कर रहे हो अगर आप कोई लो लेवल की जॉब कर रहे हो तो उसमें क्वालिफिकेशन नीचे उसमें एजुकेशन इतनी मैटर नहीं करती लेकिन अगर आप किसी भी हाईर लेवल पे जैसे कि एच लेवल पे या मैनेजमेंट में काम कर रहे हो तो आपको एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए या आपकी ज, जो जॉब जो है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कैपिटल बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी मतलब हमें बहुत सारा पैसा रिक्वायर्ड होगा क्योंकि जब हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम कोई गुड्स भी खरीदेंगे मशीनरीज भी खरीदेंगे खरी तो उन सब के लिए पैसा चाहिए सबसे पहले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जो कि लार्ज अमाउंट में होता है प्रोफेशन में ऐसा कुछ नहीं होता मीन्स इतना ज्यादा कैपिटल नहीं होता लेकिन इसमें भी थोड़ी कैपिटल लगानी पड़ती है लेकिन वो लिमिटेड होती है जैसे कि आप एक डॉक्टर एज अ प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हो तो उसमें क्या होगा कि अगर आप किसी भी उसमें हॉस्पिटल में ज्वाइन करो तो आपको ज्यादा मीन्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बट अगर आप अपनी शॉप खोलो अपना क्लिनिक खोलना चाहो एज अ डॉक्टर तो उसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होती क्यों? क्योंकि आप किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहे हो आप उसके लिए काम करोगे तो वो आपको पैसे देगा उसके बदले में ना कि आपसे पैसे लेगा तो इसमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए हमें। नेक्स्ट है रिस्क कि बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि जैसे कि हम मान लें हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि वो चलेगा नहीं चलेगा हम अपने रेपुटेशन या फिर जो हमारे जो कस्टमर्स का भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे तो इसमें बिज, बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है लेकिन प्रोफेशन में बहुत कम होता है कि हाँ अगर आप अपना क्लिनिक खोलो तो उसमें रिस्क है थोड़ा कि हाँ डॉक्टर एज अ डॉक्टर हम अपना क्लिनिक खोल रहे हैं तो उसमें हम हमारे पास कस्टमर आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते है, कि न्यू न्यू डॉक्टर है बट अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन करें एज अ डॉक्टर तो वहां पे हमें रिस्क नहीं होता क्योंकि वहां पे तो रेगुलर जो हॉस्पिटल के जो मीन्स पेशेंट्स है वो आते रहेंगे और जो हॉस्पिटल है वो आपको उस, उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे देता रहेगा कि आप उनका ट्रीटमेंट करोगे एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं होता तो कोई भी रिस्क क्योंकि जब कोई आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो इसमें आपके कुछ रिस्क है नहीं आप उसके लिए तो काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयर का रिस्क होगा कुछ भी होगा ये थोड़ी ना है कि आपके पैसे डूब जाएंगे ऐसा कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं होता एम्प्लॉयमेंट में एंड नाउ एंड जो बिजनेस होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रॉफिट अर्न करना की उस सिर्फ उसको प्रॉफिट अर्न करना है प्रोफेशन का क्या होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना क्योंकि लॉयर हम सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड करेंगे ना कि मेन ऑब्जेक्टिव हम अपना प्रॉफिट अर्न करना रखेंगे एंड लास्ट एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट में हमारा प्रॉफिट भी नहीं होता ना ही कोई सर्विस प्रोवाइड करना होता है हमारा सिर्फ ये होता है कि हमें इनकम चाहिए कि हम अपने जो एम्प्लॉयर है जिससे जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको सेटिस्फाई करें उसको बदले में वो हमें सैलरी या वेज जो भी देगा वो देगा नाउ अब हम रीड करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसको कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्म करता है किस लिए अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए अपने पर्सनल सेटिसफेक्शन के लिए कि वो एक वो सेटिस्फाई हो जाए बस कि उसकी मिस आत्मा को शांति मिले हम हिंदी में कह सकते हैं ऐसे जैसे कि टेम्पल जाना डेली चैरिटी में अपने कुछ पैसे दे देना सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना एटसेट्रा एटसेट्रा और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनका एंड रिजल्ट क्या होता है प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता उनका सिर्फ क्या होता है कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या फिर हम कहें पर्सनल सेटिस्फैक्शन बट सम टाइम जो एक एक्टिविटी होती है सेम एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी मीन कंसिडर की जाती है और उसी एक्टिविटी को हम कई बार नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कंसिडर करते हैं जैसे कि हम एग्जाम्पल ले कोई भी टीचर है वो स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके बदले में उसको सैलरी मिल रही है वो इसलिए उन बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसके बदले उसको सैलरी मिल रही है तो इसको हम कंसिडर करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी लेकिन अगर वही टीचर किसी भी अनाथालय में जाके वहां पे बच्चों को पढ़ा के आ रहा है फ्री में या फिर अपने घर के बच्चों को पढ़ा रहा है या फिर अपने नेबरहुड के बच्चों को ऐसे ही एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए फ्री में पढ़ा रहा है अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए तो हम उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे क्योंकि इसके बदले वो ना ही कोई मनी अर्न कर रहा है ना ही प्रॉफिट ले रहा है ना ही कोई सैलरी वैलरी उसको कुछ नहीं मिल रही नाउ अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच का जैसे कि फर्स्ट इसमें भी हमने बेसिस लिए हैं कुछ उनके बेसिस उन्हीं पे मीन हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट है मोटिव कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनका मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट अर्न करना मनी अर्न करना पैसे कमाना इकोनॉमिक एक्टिविटीज का यही मेन मोटिव होता है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऐसा कुछ नहीं होता है इसके जस्ट अपोजिट होता है इसमें कोई भी मनी वनी सिर्फ पर्सनल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है और जो आउटकम आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वो क्या आता है कि हमें मनी मिल रही है हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बदले हमें मनी मिलेगी ही मिलेगी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ मेंटल या पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स लें तो है बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट जो भी हमने मैंने आपको पढ़ाए थे और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स देखें तो कोई भी रिलीजियस वर्क जैसे कि टेम्पल जाना सोशल सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड करना चैरिटी में ट्रस्ट मीन चैरिटी में देना पैसे या फिर कुछ कपड़े वपड़े देना ऐसे ही गरीब बच्चों को वो सारी आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हम अब पढ़ें नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कि बिजनेस होता क्या है बिजनेस एक बहुत ही वाइड टर्म होती है इसके अंदर सारे आते हैं जिनके अंदर जिसके अंदर लोग होते हैं वो बिजी होती हैं किस लिए इनकम अर्न करने के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए चाहे वो प्रोडक्शन से करे परचेज से करे सेल से करे गुड्स और सर्विसेज की चाहे किसी भी तरीके से करे लेकिन वो अपने मीन्स प्रॉफिट अर्न करने में बिजी रहते हैं कंप्लीटली इसी पूरे प्रोसेस को हम बिजनेस बोलते हैं जो बिजनेस की जो मैंने आपको मीनिंग तो बता दिया बट हमारे जब हमारे जो बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं या फिर हमारे स्कूल एग्जामिनेशन भी होते हैं उनमें भी डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू एक डिफाइन तो लिखनी बनती है क्योंकि उसी के थ्रू जो टीचर होते हैं वो हमें मार्क्स देते हैं अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे या फिर टीचर अगर ऐसे देख डिफाइन बिजनेस या डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस अगर हम उसके जो मैंने आपको बताया अभी अगर ये मीनिंग मीनिंग लिख दें तो टीचर हमें नंबर नहीं देगा तो किसी भी ऑथर के अकॉर्डिंग एक डिफाइन जरूर याद करना जैसे कि मैं आपको एक समझा देती हूँ जैसे कि मैंने ली है बिजनेस की डिफाइन अकॉर्डिंग टू लेविस एच हनी इसके अकॉर्डिंग है बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टू वर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कि बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके अंदर हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर सेल आउट करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके थ्रू प्रॉफिट अर्न करते हैं कि बिजनेस ये डिफाइन है ये सबसे इजी है आप इसको लर्न कर सकते हो जो और आज के टाइम में बिज़नेस है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूड है जैसे कि कस्टमर्स क्रिएट करना अपने रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में ल, मींस कन लगाना या फिर नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन्वेंट करना उन सब की मार्केटिंग करना ये सारी चीज़ें आज के टाइम में ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी बिजनेस के अंदर ही इंक्लूड होती है नाउ अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस और अपने आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे थैंक यू